नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मसूरी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, शहीद स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री ने दी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी इस दौरान मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट भी शामिल हुए। मसूरी गोलीकांड में शहीदों को याद किया सीएम ने। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहीदों को पुष्प अर्पित किए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट भी इस दौरान शामिल रहे। मसूरी गोलीकांड के शहीदों को याद करते हुए नजर आए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। मसूरी पहुंचे मुख्यमंत्री और शहीद स्थल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी इस दौरान उनके साथ वहां पर मौजूद रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मसूरी की, जहां पर शहीदों को सीएम ने याद किया है, शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। शहीद स्थल पर पहुंचकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी इस दौरान मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट भी इस दौरान शामिल हुए। तो ये तस्वीरें मसूरी की, जहां पर मसूरी गोलीकांड में शहीदों को याद किया है सीएम ने, पुष्पांजलि अर्पित की है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। गणेश जोशी भी इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट भी इस दौरान शामिल हुए। तो ये तस्वीरें मसूरी के हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शहीद स्थल पहुंचकर मसूरी गोलीकांड में शहीद हुए लोगों को याद किया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। सुनील सोनकर जुड़ गए फोन लाइन पर संवाददाता। सुनील, क्या जानकारी है मुख्यमंत्री के मसूरी पहुंचने पर? जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एक साथ मसूरी गोलीकांड की बढ़ती पर मसूरी के शहीद स्थल पहुंचे और यहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश इस समय विकास की ओर अग्रसर है और उनके द्वारा लगातार प्रदेश में किस तरीके से विकास किया जाए उस पर पूरा काम किया जा रहा है। अधिकारी को यहाँ पर साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि जो उनका काम है वह स्वयं करे, और किसी भी अधिकारी ने अगर काम में किसी प्रकार की लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। वही उन्होंने बताया कि जो आंदोलनकारियों की चिन्हीकरण का काम था वो 2018 में रुक गया था, ऐसे में उसको दोबारा शुरू कर दिया गया है और 31 दिसंबर 2021 तक इस पूरे काम को किया जाएगा। वहीं जो जिन आंदोलनकारियों को पेंशन मिलती है उसका लाभ उनके परिजनों को भी यहां पर मिलेगा, और ऐसे में कई घोषणाएं यहां पर करी गई है। और जो शिफन कोर्ट का मामला एक यहां पर चल रहा था जो लगातार तूल पकड़ रहा था, उसको लेकर भी पुष्कर सिंह धामी ने आश्वासन दिया कि जो 84 बेघर परिवार है उनको विस्थापित किया जाएगा और मसूरी रोपवे की जो योजना है उसका शिलान्यास तभी होगा जब तक इनका विस्थापन ना हो जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुनील तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। बढ़ते आगे बात करेंगे देहरादून से बड़ी खबर की, जहां पर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ, यह आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने कहा कि डायरेक्टर भर्ती में ये फर्जीवाड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की मांग की है। सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया आम आदमी पार्टी ने। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की आम आदमी पार्टी ने और डायरेक्टर की भर्ती में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। पारदर्शी तरीके से ईमानदारी से कंडक्ट कराया जाए, उन्होंने ही अपने दायित्व को दरकिनार करके यूनिवर्सिटी के कुलपति से मिलकर अपने लोगों को नौकरी पर लगा दिया। तो भ्रष्टाचार का आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से सरकार के ऊपर लगाया गया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी ने। इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ, ये आम आदमी पार्टी कह रही है और आरोप लगा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं और ये कहा गया है कि रिश्तेदारों को नौकरी दी गई है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। कार्रवाई की मांग आम आदमी पार्टी ने की है। सरकार पर
भ्रष्टाचार का आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाया गया है। डायरेक्टर की भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ यह आम आदमी पार्टी ने कहा है और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की भी मांग आम आदमी पार्टी ने की है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। प्रवीण, क्या कुछ आरोप है आम आदमी पार्टी के? ठीक है, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि पिछले दिनों जो भर्ती हुई थी मुख्य विश्वविद्यालय में, उसमें जो नियमों को ताक पे रखा गया, उसकी वैकेंसी नहीं निकाली गई और बैकडोर से एंट्री दे दी गई है और तमाम जो नेता हैं, तमाम जो रसूखदार लोग हैं, उनके परिवार के लोगों को इसमें ज्वाइनिंग दी गई है। हाँ। जबकि सरकार की तरफ से अभी इस बाबत जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई भी वैकेंसी जारी नहीं की गई या जानकारी नहीं दी गई है। हाँ। तो आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पे सरकार पे आरोप लगाया है कि सरकार अपने जो पावर का बेजा इस्तेमाल कर रही है, सरकार में जो बैठे मंत्री हैं वो लगातार अपने रिश्तेदारों को, अपने नातेदारों को नौकरी दे रहे हैं और सरकार जो है, सरकार जो पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। तो आम आदमी पार्टी ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी अपना यहाँ पे सियासी जमीन तलाश रही है और लगातार सरकार पर हमलावर हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण जानकारी और बातचीत के लिए। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है, ये आम आदमी पार्टी के आरोप हैं। भ्रष्टाचार का आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं। बात उत्तरकाशी की, जहां पर मौसम ने फिर से करवट बदली। देर रात से लगातार बारिश हो रही है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन जारी है, कई रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो देर रात से लगातार ये बारिश हो रही है जिसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ है इस बारिश की वजह से। उत्तरकाशी से ये खबर आपको बता रहे हैं, देर रात से लगातार उत्तरकाशी में बारिश हो रही है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन भी इस बारिश की वजह से हो रहा है और कई रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं, लोगों को भारी परेशानी आवागमन में हो रही है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही है उत्तरकाशी से, बड़ी खबर है जहां पर मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। देर रात से लगातार बारिश हो रही है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन जारी है, कई रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बड़ी जानकारी उत्तरकाशी से आपको बता रहे हैं जहां पर देर रात से बारिश का दौर जारी है। बढ़ते आगे, बात करेंगे पौड़ी गढ़वाल की, जहां पर तमलियाणी बूटर मार्ग पर भूस्खलन जारी है। बीते चार दिन से ये रास्ता बंद है, जगह जगह मलबा आने से रास्ते बाधित हुए हैं। रास्ते को खोलने का काम जारी है, कुछ जगहों पर रास्तों को खोल दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पौड़ी गढ़वाल से, बड़ी जानकारी जहां पर तिमलियाड़ी मोटर मार्ग पर भूस्खलन लगातार हो रहा है। बीते चार दिन से ये रास्ता बंद है। रूप से आपकी खबर का बड़ा अच्छा असर हुआ है कि मिसार मोटर मार्ग में पीएमजीएसवाई के तमाम कर्मचारी पहुंच चुके हैं। तो आपकी खबर का जो असर प्रशासन ने को दिखा है, इसके लिए बधाई के पात्र है आपका चैनल, वो तमाम अधिकारी जिन्होंने आपकी खबर का संज्ञान लिया। खुशी की बात यह है कि कम से कम अब जनता को एक दो दिन के बाद सड़क की राहत मिलेगी। पर इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें मसूरी से, जहां पर गणेश जोशी की जुबान फिसली है। पुष्कर सिंह धामी को पूर्व सीएम बता दिया है गणेश जोशी ने। लोगों के आगाह करने पर उन्होंने अपनी गलती को सुधारा
बाद में कहा 15 से 20 साल बाद पूर्व हो जाएंगे। पुष्कर सिंह धामी को उन्होंने पूर्व सीएम बता दिया। सुनिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी ऊर्जावान सैनिक पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे केंद्र सरकार में वरसाद ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार जुड़ गए हैं। प्रवीण, ये भाषण हम सुन रहे थे गणेश जोशी का, जुबान फिसली है उनकी। देखिए, ये पूरा मामला आज मसूरी में मसूरी गोलीकांड की बरसी मनाई जा रही थी, 27वीं बरसी, और वहां पर मुख्यमंत्री मंच पर खुद मौजूद हैं। हाँ। और केंद्रीय राज्य रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी वहां पे मौजूद थे और वो संबोधन कर रहे थे। जो गणेश जोशी मंत्री हैं, यहाँ पर सैनिक कल्याण मंत्री हैं, वो संबोधन कर रहे थे और संबोधन के दौरान उनकी जुबान पिघली और लोगों ने तीखी टिप्पणी की और लोगों ने कहीं ना कहीं जो है इस पूरे मामले को हल्के में लिया और लोगों ने भी तालियां बजाई और उनको बार बार आगाह किया गया पीछे से कि आप पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं जबकि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो निश्चित तौर पर ये पूरा जो वीडियो है ये अब वायरल होने जा रहा है और तमाम जो राजनीतिक पार्टियों की भी इस पर प्रतिक्रिया अब आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बड़े पद पर जब कोई व्यक्ति होता है, कोई नेता होता है और उससे उसका जुबान फिसले फिसले और तब जब मुख्यमंत्री खुद मौजूद हों, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री मौजूद हों, तो निश्चित तौर पर ये बड़ा मामला बन जाता है। शुक्रिया आपका प्रवीण कुमार बातचीत और जानकारी के लिए। सुनील सोनकर भी मसूरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। सुनील, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं और हमने गणेश जोशी को सुना भी, अचानक से जब वो अपना भाषण दे रहे तो अचानक से उनकी जुबान से पूर्व लग गया पुष्कर सिंह धामी के नाम के आगे, पूर्व सीएम उन्होंने कह दिया है। फिलहाल क्या जानकारी और इस वीडियो को लेकर मिल पा रही है? देखिए, जिस तरीके से हम लोग वहां पर मौजूद थे और जैसे ही गणेश जोशी ने अपना संबोधन शुरू करा, उन्होंने जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यशस्वी युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री तो बताया परंतु पूर्व मुख्यमंत्री लगा दिया, ऐसे में उनकी जुबान फिसल गई और लोगों ने काफी इसको लेकर मखौल भी बनाया कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी इस तरीके से इनकी कैसे जुबान फिसल गई, और क्योंकि वहां पर कुछ लोग प्रदर्शन भी कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के लोग, तो ऐसे में लोगों के द्वारा उनको आगाह किया गया कि आपके द्वारा पूर्व बोला गया, तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उन्होंने बड़े मजाक के लिहाज में कहा कि आज नहीं तो 15 साल के बाद आप पूर्व लग ही जाना है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी इसको बड़े हल्के में ले गए और क्योंकि वहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री भी मौजूद थे तो उनके द्वारा कहा गया कि ये कई बार हो जाता है ऐसे, परंतु इसको ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए और ऐसे में गणेश जोशी ने इसका अपनी गलती का एहसास किया और उन्होंने कहा कि उनकी गलती बस इस तरीके से माने उनके पूर्व लगा दिया गया, परंतु अभी तो 15 साल पुष्कर सिंह धामी को ही मुख्यमंत्री रहना है और 15 साल के बाद पूर्व लग ही जाना है, तो इसको लेकर अब कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो इसको पूरा तूल दे रहा है और जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रही है तो अब विपक्ष भी इस पर हमलावर है कि लगातार जो गणेश जोशी है अपने जुबान को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा पे रहते हैं, तो आज एक और नया उनके द्वारा एक जुबान फिसली है और लगातार इसको लेकर अब जो बाजार है वो चर्चाओं में है। जी चलिए, शुक्रिया आपका सुनील सोनकर जानकारी और बातचीत के लिए। चले बढ़ते हैं आगे। मसूरी शिफन कोर्ट के लोगों को विस्थापित करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों से सीओ मसूरी नरेंद्र पंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोग मुख्यमंत्री के मसूरी पहुंचने पर पहले उनसे बात कर कार्यक्रम में शिरकत करने की बात कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि वो शहीद स्थल को खाली नहीं करेंगे जब तक उनको शिफन कोर्ट के लोगों को विस्थापन करने का ठोस जवाब नहीं मिल जाता। कि आपको जो है हम मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे, लेकिन हमने ये कहा है कि पहले सर्वधर्म सभा होगी जिसमें जो हिंदू सिख लोग और हिंदू लोग जो आप धर्म सभाएं करेंगे, धर्म सभा के सभा के बाद जो है तो हमने का जो है जहां आप बुलाओगे हम आपको मिलने लिए तैयार हैं, जो 10-11 आदमी हमारे प्रतिनिधि होंगे हम आपसे बात करेंगे। ऐसा सही दस्तर खाली नहीं होगा। अच्छा, सिर्फ हम जो है 5-10 लोग वार्ता करने ले जाएंगे, बैठे रहेंगे और अगर हमारी बात होती तो ठीक है, नहीं तो हमारा काला झंडा हमारी जेबों में है, हम वो दिखाएंगे और हम जो है
म्युनिसिपल कोर्ट के मजदूरों की समस्या का समाधान करने के लिए आ रखे हैं न कि कोई व्यवधान। बात देहरादून की, जहां पर शासन ने दो आईपीएस अफसरों को अहम जिम्मेदारी दी है। वी विनय कुमार को अतिरिक्त चार्ज दिए गए हैं, आईजी पुष्पक ज्योति को होमगार्ड्स का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दो आईपीएस को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है, अहम जिम्मेदारी मिली है। दो आईपीएस अफसरों को अहम जिम्मेदारी दी गई है, ये बड़ी जानकारी। अब खबर देहरादून से है, जहां पर बीजेपी ने अनुशासनहीनता के आरोप में ऋषिकेश की मेयर अनीता बमगाई, ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष दिनेश सती और पौड़ी के पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश रावत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में सभी को एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप से प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री को देने को कहा गया है। वो हमारे ऋषिकेश मेयर और हमारे ऋषिकेश के मंडल अध्यक्ष और एक पौड़ी के हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, उनको कुछ उनकी खिलाफ़ कुछ अनुशासनहीनता के कुछ लोगों के द्वारा शिकायत की गई थी, उसको लेकर के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार जी ने प्रदेश अध्यक्ष मान्य मदन कौशिक जी और प्रदेश महामंत्री संगठन मान्य अजय जी के निर्देश पर उनको नोटिस दिया गया है। देहरादून में बसे लोगों का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। गुचपानी में अचानक से जलस्तर बढ़ गया, नदी में फंसे तीन लोगों का रेस्क्यू किया गया। गुचपानी में घूमने गए थे युवक, तीनों युवक देहरादून के रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए, रेस्क्यू इन युवकों का किया गया, एसडीआरएफ ने इन युवकों का रेस्क्यू किया है। गुचपानी में अचानक से जलस्तर बढ़ गया था और ये लोग वहां पर फंस गए थे। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।